हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज विकास एंड होप यू डूइंग ग्रेट। आज का हूं मैं नई वीडियो के साथ। जैसा कि आपने मेरे थंबनेल में देखा कि किस तरीके से मैं पहली बार फीस पे करने के लिए गया तो वहां पे मुझे प्रॉब्लम आई और मैं फीस करने में अनेबल था। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ और इसका क्या रीजन हो सकता है, और अगर आप भी फीस पे करने के लिए जाते हो तो प्लीज किन बातों का ध्यान रखना होगा, इन्हीं सारी चीजों को इस वीडियो में इंक्लूड करते हैं। चलते हैं वीडियो में। और वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू दिस, क्योंकि आपका सिंगल सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। एंड सेकंडली, इफ यू डू नीड एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बात क्या है कि लगभग एक हफ्ते पहले जब मैं अपनी फीस पे करने के लिए गया था तो वहां पे ये हुआ कि एक्चुअली जो अमाउंट हमारे अकाउंट में था वो प्रॉपरली एक्टिव नहीं था, और उसकी वजह से जब मैं फीस पे करने के लिए गया तो वहां पे वो एक्सेस ही नहीं ले रहा था। अब बात क्या है कि मैंने फ्लाईवायर का यूज करके वहां पे अपनी रिसीट निकाली और वो रिसीट आपकी 3 डेज के लिए वैलिड होती है, और ऑलमोस्ट मैंने तीनों दिन ट्राई करा बट ऐसा नहीं हुआ और मैं फीस पे करने में अनेबल था। अब उससे मुझे क्या लॉस हुआ, अब मैं अगर बताऊं कि उस टाइम पे जो कैनेडियन डॉलर था वो 59.28 या 59.48 के आसपास का था, जब मैं उस टाइम अगर फीस पे करता तो कहीं ना कहीं मुझे फायदा मिल जाता। अगर आज मैं फीस पे करने के लिए जाता हूं तो वही कैनेडियन डॉलर आज आपका 60 point something है, 60.42 60.58 के आसपास का है, तो उसकी वजह से मुझे 20,000 to 30,000 का लॉस हो रहा है। अब ये बात आपको कैसे ध्यान में रखनी होगी, अगर आप कभी फीस पे करने के लिए जाते हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि क्या आपका अकाउंट या जो उसमें पड़ा हुआ अमाउंट वो प्रॉपरली एक्सेस करने के लिए है या नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो अपने बैंक से कांटेक्ट करें और तभी आप अपना फ्लाईवायर से रिसीट जनरेट कराएं। इसमें दूसरा आपका पॉइंट ये हो सकता है कि जब भी आप फीस पे करने के लिए जाते हो तो बैंक के प्रोसीजर को समझ जाओ, क्या बैंक उस टाइम प्रॉपरली आपके फीस को रिलीज करने के लिए एबल है या नहीं है। क्योंकि जब भी आप ई चलान के लिए जाते हो तो वहां पे RTGS कराना होता है। कभी कभी ये होता है कि बैंक आपको कहते हैं कि मैं अभी आपको कल मैं RTGS कर दूंगा या परसों कर दूंगा, तो इस चीज से भी आपका नुकसान हो सकता है। अगर प्लीज आप जाते हो तो बैंक मैनेजर से प्रॉपरली कम्युनिकेशन करो कि क्या टाइम पे आप फीस पे करने वाले हो, कब मेरी फीस को आप ट्रांसफर करोगे, और भी क्या ऐसी चीजें हैं। होपफुली ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो। मिलते हैं ऐसे नई वीडियो में नई चीज के साथ, तब तक के लिए ओके बाय बाय टाटा।